नमस्कार मित्रों, जय सियाराम, सुप्रभात मित्रों। आज 7 जनवरी 2019 दिन सोमवार का संक्षिप्त पंचांग और राशिफल प्रस्तुत कर रहा हूँ। तिथि आज प्रतिपदा है, प्रातः 9:20 तक, उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। नक्षत्र आज उत्तरा साढ़ा है, 20:36 तक। करण आज बव है 9:20 तक, उसके बाद बालव करण 22:36 तक। योग हर्षण है 27:37 तक। और चंद्रमा रहेगा आज मकर राशि में। अब बात राशिफल की। मेष राशि, आज का दिन बेहतरीन रहेगा, ऊर्जाशील रहेंगे, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। कुछ वक्त आपका अपने परिवार के साथ आसपास के क्षेत्रों में सैर सपाटे, हास प्रयास और मौज मस्ती में बीतेगा। खर्चों को काबू में रखने की कोशिश करें, बहुत सोच समझ कर खर्च करें। सामाजिक व धार्मिक गतिविधियां भी रहेंगी। कार्य क्षेत्र में थोड़े बदलाव के संकेत मिलते हैं। व्यस्तता रहेगी, कार्य का अतिरिक्त बोझ भी रहेगा। हड़बड़ी या जल्दबाजी में कार्य न करें, निर्णय खूब सोच विचार कर करें। आज रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आप उत्साही होकर बदली हुई परिस्थितियों का आनंद प्राप्त करेंगे। कहीं आर्थिक निवेश कर सकते हैं, लेकिन थोड़े सतर्क रहने की जरूरत होगी। अतीत से जुड़े किसी शख्स से आज मुलाकात हो सकती है। आर्थिक दिशा के प्रयास सफल होंगे। दांपत्य जीवन में कुछ कटुता व कहासुनी संभव है, धैर्य से काम लें। शुभता का प्रतिशत रहेगा 85। वृषभ राशि, आज का दिन थोड़ा बेहतर रहेगा। तनाव व उलझने कुछ कम होंगी और आपको भाग्य का थोड़ा सहयोग भी प्राप्त होगा। आज का दिन धर्म और दर्शन से ओतप्रोत होगा। धर्म और अध्यात्म के साथ आपकी रुचि गूढ़ विद्याओं में रहेगी। संभव है किसी आध्यात्मिक गुरु से आपकी मुलाकात हो जाए और भविष्य के बारे में कुछ बेहतर करने का मार्गदर्शन भी मिल सके। आर्थिक कठिनाइयां दूर होंगी, कोई अटका हुआ धन आज मिल सकता है। मित्रों के संग साथ में आनंद की अनुभूति होगी, उनका सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र उत्तम रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति होगी। सहकर्मियों का सहयोग और उच्च अधिकारियों का सानिध्य प्राप्त होगा। भूमि, प्रॉपर्टी, वाहन आदि में किए प्रयास सार्थक होंगे। निवेश करना फायदेमंद रहेगा। आज यात्रा के योग भी हैं। कामकाज के सिलसिले में की गई ये यात्रा फायदेमंद रहेगी। आज विवादों से बचने की जरूरत है। दांपत्य जीवन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। शुभता का प्रतिशत है 75। बात मिथुन राशि की। आज मन थोड़ा अशांत और खिन्न रहेगा। आज प्रतिस्पर्धा की भावना रहेगी और उसका सामना भी करना पड़ेगा। कार्य का अतिरिक्त बोझ तनाव उत्पन्न कर सकता है। आज गुप्त शत्रुओं और विरोधी पक्ष से थोड़ा सतर्क रहें। बेवजह के खर्चे और व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। आर्थिक दृष्टि से दिन ठीक ठाक है, बस खर्चे कंट्रोल में रखिएगा। आज अपनी वाणी और व्यवहार पर भी बहुत नियंत्रण रखें, वरना पारिवारिक तनाव व विवाद में फंस सकते हैं। आज यात्रा करने से बचें तो बेहतर होगा। सेहत का भी ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र सामान्य रूप से ठीक ठाक है, बस बहुत सोच विचार कर बुद्धि विवेक से कार्य करें। बेहतर होगा कि आज आप थोड़ी धार्मिक गतिविधियों में लिप्त रहें। आज योग, व्यायाम और प्राणायाम में थोड़ा वक्त गुजारें। आज सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। दिल के बजाय दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करें। दांपत्य जीवन में कटुता रहेगी, बुद्धि विवेक से धैर्य से काम लेने की जरूरत है। शुभता का प्रतिशत है 55। अब बात कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों का दिन शानदार रहेगा। ऊर्जा, उत्साह व आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पूरा दिन खुशनुमा ही गुजरे, इसके लिए जरूरी है कि आप वाद विवाद, अहंकार और टकराव से बचें। घर परिवार में तनाव व विवादित मामलों से दूरी बनाकर चलें। आज आर्थिक कठिनाइयां दूर होंगी, मित्रों का बड़ा सहयोग रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित होगा, आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। आज सामाजिक मेलजोल की दृष्टि से बेहतरीन दिन है, नए संबंध बनेंगे, पहचान का दायरा बढ़ेगा, तरक्की के बेहतर अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। दांपत्य जीवन में थोड़ी कहासुनी व तनाव संभव है। थोड़ी मधुरता बनाए रखेंगे तो दिन अच्छा जाएगा और किसी भी प्रकार के विवादित विषयों को न छेड़ें, इससे हानि हो सकती है। शुभता का प्रतिशत है 80। सिंह राशि, आज का दिन थोड़ा मिश्रित फलदायी रहेगा। कुछ क्षेत्रों के लिए अच्छा तो कुछ को लेकर निराशा व अप्रसन्नता रहेगी। आज धैर्यशीलता में थोड़ी कमी रहेगी। प्रतिस्पर्धात्मक रवैया रहेगा आज आपका। आज धैर्य से
काम लें, सेहत के प्रति सचेत रहें, रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए समय ठीक है। रोजी रोजगार, व्यवसाय, नौकरी आदि में स्थिति मजबूत रहेगी। अधिकारियों से मतभेद न बढ़ाएं तो बेहतर होगा। आज मित्रों और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग बहुत मिलेगा। खर्चों पर बहुत नियंत्रण रखें, यात्रा के योग भी हैं। व्यर्थ की चिंताओं से बचें, वाद विवाद टकराव से दूर रहें। आज धैर्यशील रहकर बुद्धि विवेक से निर्णय लेंगे तो दिन बहुत अच्छा गुजर जाएगा। दाम्पत्य जीवन में सामान्य रूप से खुशहाली रहेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें, कहा सुनी से बचें। शुभता का प्रतिशत है 75। और अंत में बात कन्या राशि की। आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आज भावनात्मक रूप से अस्थिरता रहेगी, कभी बहुत खुश तो कभी अप्रसन्नता व निराशा की भावना। फिर भी दिन का ज्यादातर भाग ठीक रहेगा। आज आपकी आय की स्थिति सुधरेगी, आर्थिक कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। परिवार कुटुंब का सहयोग रहेगा। आज रचनात्मक कार्यों, कला संगीत, पठन पाठन में मन ज्यादा लगेगा। धार्मिक व सामाजिक सक्रियता भी रहेगी। भ्रम व दुविधा की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते वक्त अपने करीबी लोगों से सलाह मशविरा अवश्य लें। वैसे मित्रों का सहयोगी रवैया रहेगा। आज आपकी हर प्रकार से मित्र मदद भी करेंगे। आज अपने व्यवहार और बातचीत में थोड़ा संयम रखें, जल्दबाजी या हड़बड़ी आपके कार्यों को बिगाड़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र मजबूत रहेगा, आर्थिक उन्नति होगी, दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे तुला राशि से मीन राशि वालों के फल के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।